जय थैंक यू सजन कैलिफोर्निया संघ इस प्लेटफॉर्म पे मुझे सत्संग करने की अपॉर्चुनिटी देने के लिए। गुरु जी का शुक्राना करना ही होता है सत्संग, तो जितना हम गुरु जी का शुक्राना करें उतना ही कम है। सो थैंक यू अगेन। गुरु जी हमारे लिए एक वे ऑफ लाइफ है, हमारे लिए पूरी जिंदगी है गुरु जी। और गुरुजी कैसे मेरी लाइफ में आए थे, मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। माय मास्टर जी हैड गॉन टू अ क्लिनिक, अब मेरी कजन को लेकर, उसके जो डेंटिस्ट थे जिससे ऑलरेडी उसका ट्रीटमेंट चल रहा था वो आउट ऑफ स्टेशन थे, तो शी वाज हैविंग सम पेन। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी तुम्हें अपने पुराने फ्रेंड के पास लेके जाता हूँ। तो जब वो वहां गए उन्हें लेके, तो उन्हें गुरुजी का स्वरूप मिला वहां पे दिखा, और उन्होंने वहां पे डॉक्टर से संगत की। तो जब सत्संग किया तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं भी जाना चाहता हूँ गुरुजी के दर्शन करने के लिए। तो जो डॉक्टर बजाज थे जिनकी क्लिनिक गए थे, डॉक्टर एम एम बजाज, तो वो लेके गए मेरे मास्टर जी को एम्पायर स्टेट गुरुजी के दर्शन कराने के लिए। उस दिन जो अब मेरे हस्बैंड हैं पुनीत बजाज, वो भी वहाँ पे आए हुए थे चंडीगढ़ से। तो आई विल से कि गुरुजी ने जैसे कराया, उनके मन में थॉट आया कि मेरा और उनका अच्छा रहेगा रिश्ता, तो उन्होंने पापा से बात की एंड पापा सेड के गुरुजी जहाँ कहेंगे गुरुजी से ही हम अप्रूव कराएंगे। तो मास्टर जी ने मेरी फोटोग्राफ दी थी पापा को, तो पापा और पुनीत जी वो फोटोग्राफ लेके गुरुजी के पास गए थे, और गुरुजी ने उल्टी फोटोग्राफ देखी और उल्टी फोटोग्राफ देख के कहा, ब्राह्मणा दी कुड़ी कित्थों फसा लेती, कुड़ी चंगी ने, कुड़े दे प्यो बड़े चंगे ने, छेती शादी करो, ऐसे कह के उन्होंने हवा में फोटो फेंक दी। और पापा एंड पुनीत जी वर वेरी हैप्पी कि गुरुजी ने यस बोल दी है, क्योंकि उससे पहले आई थिंक जस्ट अ मंथ बिफोर कोई गया था पुनीत जी के साथ गुरुजी के पास, और वो शायद अपने वहां चाहते थे रिश्ता करवाना। तो उन्होंने गुरुजी से ऐसे जिक्र किया कि गुरुजी डॉक्टर साहब की शादी कराओ, तो जस्ट वन मंथ बिफोर। और गुरुजी ने हंस के टाल के कहा, डॉक्टरों की जल्दी शादी नहीं होती, छेती शादी नहीं होती डॉक्टरों की। तो ये बोल के जब उन्होंने टाल दिया, तो जस्ट आफ्टर वन मंथ उन्होंने अप्रूव कर दिया। देन एवरीबॉडी वाज वेरी हैप्पी, वही कहते हैं कि हमारे केस में तो हमारा रिश्ता गुरुजी ने ही बनाया था। एंड 9th July 2005 वॉज द डे जब मैंने गुरुजी के पहली बार दर्शन किए थे, जिस दिन हमारा रोका हुआ था। उस दिन हम रोके के बाद गुरुजी के का आशीर्वाद लेने एम्पायर स्टेट गए थे दोनों फैमिलीज। और उस दिन मतलब इट वाज एन अमेजिंग डे आई विल से, बिकॉज मुझे पहली बार रब को देखने का मौका मिला था और लाइव। और उस दिन दो गुरुजी से ज़्यादा बात नहीं हुई थी, जस्ट गुरुजी ने सब फैमिली मेम्बर्स को इंट्रोड्यूस जैसे कर रहे थे तो वैसे कराया था पुनीत जी ने। तो जब मेरी कजन की बारी आई, तो गुरुजी ने पूछा की कर दी है मेरी मासी की बेटी की जिन्होंने रिश्ता कराया था। तो जैसे उसकी बारी आई, तो पुनीत जी ने कहा कि एमबीए कर रही है गुरुजी। तो गुरुजी ने हंस के कहा, मैरिड टू अ ब्यूटिफुल अमेरिकन। नाउ वी ऑल नो गुरुजी है बहुत ह्यूमरस वे में कई अपनी ही फुल फॉर्म्स बताते थे। तो हम फर्स्ट टाइम गए थे, और फर्स्ट टाइम में गुरुजी का ये कहना हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशारा था। इतना मुझे पता था कि महापुरुषों के वाक खाली नहीं जाते, तो मैंने ये समझ लिया कि मेरी कजिन दैट टाइम वाज गोइंग अराउंड विद अ गाय जो एमबीए कर रहा था अमेरिका में। सो वी बोथ थॉट दैट गुरुजी हैज गिवन एन इनडायरेक्ट ब्लेसिंग कि उसी से वेडिंग होगी उसकी, और ऐसा ही हुआ। कुछ सालों के बाद उसकी उसी लड़के से शादी हुई,
और देन दे हैड ऑल्सो मूव टू कैनेडा, दो एज द पैंडमिक स्ट्रक वो थोड़ा वापस आ गए वहां से. सो जैसे गुरुजी के वाक है वो तो पूरे होने ही हैं. तो ऐसे ही हम मेरा सिलसिला शुरू हुआ गुरुजी के पास जाने का. और दैट वाज थ्रू मेरे जो अब हस्बैंड हैं पुनीत बजाज जी, उनके साथ. और ऐसा होता था कि वो मुझे मिलने आते थे. आई वाज वर्किंग इन गुड़गांव देन, तो हम लोग इकट्ठे जाते होते थे गुरुजी के पास. मेरे फादर इन लॉ भी साथ चलते होते थे. तो कई बार हम एम्पायर स्टेट मत्था टेकने गए. द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू बड़े मंदिर वॉज ऑन गुरु पूर्णिमा, और आई थिंक जुलाई एंड में वो गुरु पूर्णिमा का डे था. और उस दिन पहली बार जब मैं बड़े मंदिर गई, वी वर वेरी हैप्पी. जैसे ही हमने मत्था टेका, मैंने मत्था टेका इनफैक्ट, गुरुजी ने कहा आओ जोशी आंटी आओ. मैं तो उसी टाइम आई वाज स्टंड. मैंने कहा मुझे क्यों बुला रहे हैं गुरुजी जोशी आंटी, आंटी क्यों बोल रहे हैं गुरुजी. मतलब दैट वर्ड स्ट्रक मी लाइक एनीथिंग, बिकॉज मैंने तब तक किसी से नहीं सुना था कि गुरुजी प्यार से आंटी बुलाते हैं. सो आई वाज लाइक व्हाई इज गुरुजी कॉलिंग मी आंटी. और दो मैंने एकदम से मत्था टेका और मैं पीछे आ गई. एंड देन आई सॉ कि पुनीत जी एंड पापा वर स्माइलिंग एंड दे वर वेरी वेरी हैप्पी. मुझे बहुत हैरानी हो रही थी. मेरे अंदर तो सिर्फ वो शब्द चल रहा था कि मुझे गुरुजी ने आंटी क्यों बुलाया, क्यों, मैं तो बहुत छोटी हूँ गुरुजी से. और जैसे ही वो हंस रहे थे, स्माइल कर रहे थे, दे वर लाइक गुरुजी हैज एक्सेप्टेड यू इन हिज परिवार, गुरुजी ने आपको आंटी कह के बुलाया. मैं भी जानना चाहती थी क्यों. तो तब पापा ने शेयर किया कि गुरुजी के परिवार में गुरुजी प्यार से आंटी अंकल बुलाते हैं, एंड दैट मीन्स यू आर पार्ट ऑफ द फैमिली नाउ. एंड देन आई रियलाइज द वैल्यू ऑफ दोज वर्ड्स एंड आई वॉज लाइक वाओ ओके थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग मी. और तब से जब भी मैं जाती थी मत्था टेकने गुरुजी के पास, एम्पायर स्टेट या बड़े मंदिर, मेरे मन में एक चाह होती थी कई बार कि गुरुजी बस नाम ले लो. ऐसा कुछ होता नहीं था कि मैं गुरुजी से पूछूं या बताऊं. आई वॉज जस्ट गोइंग विद द फ्लो. और पापा पुनीत जी ही बात करते थे गुरुजी से, तो मेरा ऐसा कुछ होता नहीं था कि मैं क्या बात करूं. बट मेरे मेरा कनेक्शन गुरुजी से शुरू से ही ना एक दिल का रहा था. अगर मैं दिल में ही मांगती थी गुरुजी आज आप मुझे नाम लेके बुला दो, जोशी आंटी बोल दो, उस विजिट में गुरुजी मुझे नाम लेके बुला देते थे. तो इट वाज लाइक, मतलब जब बैठे होते थे गुरुजी एम्पायर स्टेट में, तो मैं मन में सोचती थी गुरुजी आप मुझे देखो. तो जैसे ही गुरुजी देखते थे मेरी नजरें झुक जाती थी. आप गुरुजी को खैर आंखों से, यू नो, यू कुडंट मीट हिम इन द आई. गुरुजी का इतना नूर था, इतना उनका तेज था कि जैसे ही गुरुजी देखते होते थे आप उनको लुक बैक कर ही नहीं सकते थे. तो मैं, मतलब ऐसा मेरा वो कनेक्शन था कि मुझे लगने लगा. आई वॉज हैविंग माई एम बी एग्जाम्स देन. तो मैं, जैसे हम फोन पे काफी बात करते थे मैं और पुनीत जी, तो आई यूज टू टेल हिम कि मुझे पढ़ना है. तो ही वॉज लाइक कि आप गुरु जी से प्रे करो, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा होगा, अच्छे एग्जाम्स होंगे. तो जब भी मैं एग्जाम देने से पहले, मुझे पापा जी ने एक स्वरूप गिफ्ट किया था गुरु जी का, तो मैं उसके आगे मत्था टेकती थी एग्जाम से पहले. तो मुझे लगता था गुरु जी की आज स्माइल कल से ज्यादा है, मतलब इस गुरु जी स्माइलिंग एट मी. सो आई यूज टू फील लाइक, यू नो, स्वरूप में कुछ रोज ही मुझे लगता था कुछ फेशियल एक्सप्रेशन डिफरेंट आ रहे हैं. तो मैंने सोचना शुरू किया क्या मैं हेल्यूसिनेट करने लग गई हूँ क्या, व्हाट इज हैपनिंग टू मी. बट देन आई रियलाइज द डे द स्माइल वॉज मोर ब्रॉडर, तो मेरा एग्जाम अच्छा होता था. तो जस्ट हम तो इतनी हैप्पी स्पेस में आ गए थे कि हमें कुछ और सोचता नहीं था. हमें लगता था लाइफ में मजे करो, ऐश करो, गुरुजी का मत्था टेको, गुरुजी से ब्लेसिंग्स लो, अच्छे कर्म करो. वो मुझे बता दिया गया था कि यू हैव टू बी योर ट्रू सेल्फ, यू नो. आप कुछ देखो, अगर आप गुरुजी के पास आते हो ना, तो उन आपको
ना कुछ कहने की जरूरत पड़ती है, ना कुछ आप सोचते हो कि मैं ऐसे करूंगा। लाइफ में अपने आप चीजें होती हैं और आपके अंदर भी बदलाव अपने आप आता है। सो आई विल से कि मे बी दैट पीरियड वाज अ पीरियड ऑफ रिफाइनमेंट। देयर वर मेनी थिंग्स व्हिच यू नो वी हैव एज पार्ट ऑफ आवर नेचर, जो धीरे धीरे गुरुजी उनको एक तरह से ठीक करना शुरू कर देते हैं, तो फॉर आ गुड। तो ऐसे ही हुआ, एक वो पीरियड बहुत ही मजेदार था। उसके बाद आई विल से कि जब हमारी वेडिंग हुई, तो वेडिंग के 2 दिन बाद हम गुरुजी का आशीर्वाद लेने बड़े मंदिर नहीं, एम्पायर स्टेट है, वहां पे गुरुजी जब बैठे हुए थे, तो अभी हम दोनों लाइन में ही थे पीछे, अभी हमारी टर्न नहीं आई थी मथा टेकने की। गुरुजी ने हमें देखा एंड गुरुजी ने लाउडली बोला, ऐसे की कर रहे हो, हनीमून पे जाओ। तो हम दोनों बहुत ही एक सेकंड में एम्बैरस हो गए, हमें लगा ये क्या गुरुजी ने तो सबके सामने ऐसे बोल दिया। और दो फिर हमने मथा टेका, फिर गुरुजी ने वही रिपीट किया, हनीमून पे जाओ, हनीमून पे। जैसे गुरुजी अपने हाथ का इशारा करते थे ऐसे रोटेट करते हुए कि चलो 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 चलो, जब इजाजत देते होते थे। तो गुरुजी ने कहा हनीमून पे जाओ, हनीमून पे जाओ। एंड वी वर लाइक हां जी गुरुजी। हम अपना चुपचाप सिर हिलाते हिलाते हम जाकर पीछे बैठ गए और फिर हम खैर गुरुजी की ब्लेसिंग से फिर घूमने भी गए, और वो भी बहुत ही इंजॉयबल पीरियड रहा। उस पीरियड में भी मतलब हम छोटी छोटी बातें होती थी जिससे गुरुजी से जो कनेक्शन था वो स्ट्रॉन्गर होता चला गया। लाइक वंस आई लॉस्ट माई वॉलेट, जिसमें मेरे काफी उस टाइम एटीएम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सब कुछ था, और वी वर लाइक हंटिंग लाइक क्रेजी एंड वी वर थिंकिंग कि मैंने शायद कहीं कुछ छोड़ दिया है, गुम गया है। एंड आफ्टर सर्चिंग फॉर इट 3 times इन माई बैग, हमने गुरुजी से फ्रेंटिकली प्रे की, गुरुजी प्लीज 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 गुरुजी मिल जाए। एंड फॉर द 4th time आई फाइंड इट इन द सेम बैग। आई वॉज लाइक अमेज्ड। तो वो जो छोटी 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 बातें थी उनसे इतना स्ट्रॉन्गर कनेक्शन होता चला गया गुरुजी से कि पता ही नहीं चला। उसके बाद शादी के आई थिंक 15-16 days बाद हम गुरुजी के पास एक बार एम्पायर स्टेट गए, तो मेरे दूसरे मास्टर जी जो अमृतसर से बिलोंग करते हैं वो हमारे साथ थे, और उनको जैसे पनीत जी ने इंट्रोड्यूस कराया, गुरुजी ने पूछा क्या करते हैं, तो बताया पुनीत जी ने कि बैंक में है। तो उसके 10 days के बाद हमें गुरुजी का इनफैक्ट नॉट इवन 10 days, आई थिंक जस्ट 3 days के बाद गुरुजी का फोन आया हमारे पास। और गुरुजी उस टाइम हम फरीदाबाद में थे और हम एक साईं बाबा मंदिर से मथा टेक के अभी बाहर ही आए थे, और जैसे ही हमने फोन देखा, पुनीत जी ने अननोन नंबर है उन्होंने उठाया, जैसे ही उधर से आवाज आई मैं गुरुजी बोल रहा हूँ, तो ही स्टार्टेड लाइक वाज सो शेकी, ही वाज लाइक गुरुजी का फोन आया है। एंड देन वी वर जंपिंग विद जॉय, एंड देन गुरुजी इनवाइटेड अस टू अ फंक्शन व्हिच वाज टू बी हेल्ड इन डुगरी दैट ईयर इन द एंड ऑफ दिसंबर। और उन्होंने, गुरुजी इतने काइंड हैं, उन्होंने उसी टाइम ये भी कहा कि अपने बैंक वाले मास्टर जी को भी लेके आना, उनको भी इन्वाइट किया। अब वो भी आए अमृतसर से, वो आए और मेरी कजिन मासी की बेटी साथ में आए, और पता नहीं क्या कल्याण करना था गुरुजी ने उनका। दैट टाइम मेरी कजिन की फिंगर में कोई ग्रोथ शुरू हुई थी, और उसने मुझे वहाँ पे बताया था फंक्शन में कि ऐसे ऐसे हुआ, मैंने दिखाया, मेडिसिन लगाई है, कुछ फर्क नहीं आ रहा है। तो वी वर जस्ट थिंकिंग, ऐसा हमने कुछ सोचा ही नहीं कि इस चीज के लिए कोई ब्लेसिंग्स होंगी या कुछ होगा। बट आफ्टर वी दे वेंट बैक, शी कॉल्ड मी आफ्टर 2 days एंड सेड दीदी तो मेरा बिल्कुल ठीक हो गया, मैंने कोई मेडिसिन भी नहीं लगाई कुछ। तो हमें तब रियलाइज हुआ कि देयर आर मेनी ब्लेसिंग्स गुरुजी गिव्स अस, जो हमें समझ आती हैं और कहीं हमें नहीं भी समझ आती, मतलब ही ब्लेसेस अस इन सो मेनी वेज। जब वो फंक्शन था तो मॉर्निंग में, उस फंक्शन में बहुत संगत आई थी, ऑल ओवर पंजाब, दिल्ली से बहुत संगत आई थी, दूर दूर से। शाम को सारी संगत ऑलमोस्ट चली गई थी, सिर्फ कुछ ही संगत थी जो थोड़े चंडीगढ़ के, थोड़े से दिल्ली के जो रहते थे वहाँ, और डुगरी पिंड के लोग।
संगत के लोग, तो शाम को गुरुजी फिर से बैठे वहां, फिर से आए, फिर से बैठे, और बहुत ही अच्छा माहौल था, डांस कर रहे थे वहां पे कई संगत, रिंकू भैया जिनको हम जानते हैं, रिंकू मेहता भैया जिन्होंने बड़े मंदिर में भी कई बार भंगड़ा किया है, और गुरुजी उनको बैक टू बैक भंगड़ा कराते थे, उस दिन वो डांस कर रहे थे वहां पे, और बहुत ही अच्छा माहौल था। तो हमें भी डांस करने का मौका मिला, हमने भी डांस किया, और मुझे डांस का वैसे ही बहुत शौक था, तो मैं जैसे ही गुरुजी आए आए मुझे वो चांस मिस नहीं करना था, तो मैंने खूब डांस किया। मेरी कजिन जो आई थी अमृतसर से, उसने और मैंने खूब डांस किया, और जब डांस करने के बाद मैंने गुरुजी का मत्था टेका और मैं बैठने लगी, तो जैसे ही मैं आगे आई गुरुजी ने कहा ऐदे ना मुंडा होएगा, और गुरुजी ने इतनी क्विक पंजाबी में बोला और इतना फास्ट बोला कि मतलब मेरा सिर नीचे था, तो मुझे समझ नहीं आया कि गुरुजी ने क्या बोला और किसे बोला। जैसे ही मैंने सिर उठाया तो मैंने रियलाइज किया गुरुजी का फेस, एक थोड़ी सी ओल्ड आंटी थे उनके राइट साइड में बैठे, उनकी तरफ था। उनको हम गांव में आई थिंक मामी जी बोलते थे, मुझे एग्जैक्ट रिलेशन नहीं याद है, तो उनको उनकी तरफ था। और फिर मैंने देखा तो मेरे पीछे तो मेरी कजन थी जो स्कूल गोइंग थी। अब मैं सोचती रही गुरुजी ने पक्का यही बोला है, पक्का यही बोला है, एंड फॉर गुड 10 मिनट्स आई केप्ट ऑन थिंकिंग दैट यू नो व्हाट हैज गुरुजी सेड। मैं मे बी इट वॉज जस्ट 1 month इन टू आर मैरिज, मैं मानना ही नहीं चाहती थी कि गुरुजी ने हमें बेबी के लिए ब्लेस किया है। और देन आफ्टर 10 मिनट्स आई टोल्ड पुनीत जी एंड ही वॉज वेरी हैप्पी, ही सेड गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग्स दिए हैं रुचि, बिना मांगे दिए हैं, तो वी शुड बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। बट देन आई वॉज लिटिल अनश्योर, मुझे लग रहा था नहीं मैं मानना नहीं चाहती थी कि अभी सिर्फ एक ही महीना हुआ था शादी को कि गुरुजी ने हमें बोला है। मैंने कहा कि शायद इतनी ठेठ पंजाबी में बोला, मुझे समझ नहीं आया, तो ही वॉज लाइक कि नहीं आप कह रहे हो तो हमें ही बोला होगा, आगे पीछे तो कोई और था नहीं जिसको गुरुजी ने बोला हो, तो आप ही को बोला। बट देन आई वॉज लाइक कि ठीक है, इट टुक मी लिटिल टाइम टू बी कन्विंस्ड। और जैसे हम हर तब जैसे पुनीत जी हर साल ट्रिप लेके जाते थे वैष्णो देवी, तो हम उस साल जब वैष्णो देवी के ट्रिप पे गए और उसके बाद आए वापस, तो आई पुनीत जी कॉल्ड अप चोपड़ा आंटी जो सुकरात की मॉम है, वो भी उस दिन वहाँ पे डुगरी में थे जब गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी थी। तो पुनीत जी वॉज वेरी हैप्पी एंड ही सेड आंटी मैंने गुड न्यूज शेयर करनी है, गुड न्यूज शेयर करनी है। तो बिफोर पुनीत जी कुड से एनीथिंग आंटी ने कहा रुचि प्रेग्नेंट है। अब इतना हमें वो लगा, हमने कहा जब गुरुजी ने बोला है तो सबके सामने बोला है तो ये तो सबको पता था। तो गुरुजी की ब्लेसिंग से जब हम उसके बाद गए जाते होते थे, हम फिर भी रेगुलरली व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग आल्सो, तब भी हम रेगुलरली ट्रैवल करते थे फ्रॉम चंडीगढ़ टू दिल्ली, हम बहुत ट्रैवलिंग करते थे कि हमारे नेबर्स तक हमें बोलने आ जाते थे कि शी इज एक्सपेक्टिंग, इतना मत इसे घुमाओ, मतलब अभी मत लेके जाओ। तो हमें लेकिन इतना हम उस स्पेस में थे कि हमारे गुरुजी हैं, हमें कुछ नहीं होगा और हम गुरुजी के पास ही तो जा रहे हैं मत्था टेकने। तो हम इतने बेचैन होते थे दोनों कि जैसे आज अगर आपकी मोबाइल की बैटरी डाई डाउन हो जाए तो आप सोचते हो कि फटाफट चार्जर मिले, चार्जर ढूंढे और हम चार्ज करें। We were like that. Our souls needed batteries. अगर हम थोड़े दिन गुरुजी को नहीं देखते थे, नहीं मिलते थे, तो हमें ऐसी बेचैनी होती थी, इतना खिंचाव होता था कि हमें लगता था कि हम किसी ना किसी बहाने फटाफट बस दिल्ली चले जाएं और गुरुजी के को देखें, गुरुजी से आशीर्वाद लें। So even we were just married, और हमें कई लोग आकर बोलते होते थे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम just married हो, तुम घूमो फिरो, बट हमारे लिए हमारे गुरुजी के पास जाना ही हमारे लिए अल्टीमेट हैप्पीनेस होती थी। और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं आज सत्संग कर रही हूँ, ये इसलिए है कि ये ऐसा ही होता था आज भी टिल टुडे। आई थिंक जो गुरुजी से कनेक्टेड होंगे वो रियलाइज करेंगे, अगर थोड़ा टाइम हो जाता है तो वी यर्न फॉर सम गुरुजी सिग्नल, फॉर गुरुजी सम मैसेज, सम गुरुजी ड्रीम दर्शन। अब
लेकिन तब जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तो हमें यही होता था कि बस हमें गुरु जी को देखना है, हमें मिलना है उनसे। और ऐसे ही सफर चलता रहा। देन कई बार, एक बार पुनीत जी जब अकेले गए थे, मैं नहीं गई थी, तो व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग, तो गुरु जी ने हंस के बोला, और लॉटरी कब खुल रही है? तो गुरु जी बहुत ही प्यार करते थे, बहुत आज भी करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं, और वो उनकी कई सिग्नल्स देते हैं आज भी गुरु जी अपने प्यार के। तो जब अर्जुन होने वाला था, तो आई विल से कि एक बार जब मैं नहीं गई थी, तो वी बोथ यूज टू इनिशियली लाइक 4-5 months इनटू माय प्रेगनेंसी, वी यूज टू हैव दिस टॉक अबाउट यू नो विच गायनिकोलॉजिस्ट आई शुड विजिट। देन आई वॉज वेरी इंसिस्टेंट कि मैं जो एक पंचकुला में गायनिकोलॉजिस्ट है उनके पास जाऊँ, और पुनीत जी वाज इंसिस्टेंट कि मैं चंडीगढ़ में एक गायनेकोलॉजिस्ट है उनके पास जाऊं। अब जब ये हुआ तो आई हैड माय वे, और वी स्टार्टेड गोइंग टू द पंचकुला वाली डॉक्टर, एंड देन गुरुजी विजिट्स, आई एम सॉरी, पुनीत जी विजिट्स गुरुजी वंस, और वहां पर गुरुजी ने पुनीत जी को कहा कि इनसे संगत करो। वो जो आंटी थे वो दिल्ली के टॉप गायनेकोलॉजिस्ट थे। अब उनसे गुरुजी के कहने पे पुनीत जी संगत करने लगे। संगत करते करते उन्होंने पूछा, अच्छा चंडीगढ़ से हो, अच्छा मेरी तो बहुत अच्छी स्टूडेंट है वहां पे। उन्होंने उस डॉक्टर का नाम लिया जो चंडीगढ़ में थी। गुरुजी ने जैसे ही उस डॉक्टर का उन्होंने नाम लिया, गुरुजी ने पीछे से कहा सुन के एकदम से, अरे वो तो मेरे पास आती होती थी 33 सेक्टर में, वो तो मेरी भक्त है। तो जैसे ये बात हुई, देन पुनीत वाज लाइक वेरी सरप्राइज्ड, यू नो इतने डॉक्टर्स होते हैं जिंदगी में। उस विजिट में जब हमारी बात होती थी कि हम किस गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, और हमने गुरुजी से पूछा भी नहीं, ना कोई बात की, गुरुजी का ये कहना कि तुम उनसे संगत करो और उस डॉक्टर का जिक्र होना, डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस? इट वाजंट अ कोइंसिडेंस। सो व्हेन ही केम बैक, उन्होंने मुझे कन्विंस किया पुनीत जी ने कि देखो गुरुजी के पास बात हुई है, इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस, ये गुरुजी का इशारा है दैट वी शुड गो टू दैट गायनी ओनली। एंड देन ऑब्वियसली मुझे लगा कि अब तो यस, दिस इज अ सिग्नल दैट वी शुड गो टू दैट गायनी, एंड देन वी चेंज्ड आवर डॉक्टर मिडवे, और हमने उस चंडीगढ़ वाली गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना शुरू कर दिया। नाउ जब प्रेगनेंसी, जब डिलीवरी का टाइम था, तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हुई मुझे, और प्रेगनेंसी डिलीवरी में तो इमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़ा। जब मुझे लेके जा रहे थे सी सेक्शन के लिए, तो उसके बाद जब बाहर आए, डॉक्टर आई ओटी से, तो उन्होंने द फर्स्ट वर्ड शी सेड टू पुनीत जी वाज, आपके गुरुजी ने आपके बेटे को बचा लिया। सो दीज वर द फर्स्ट वर्ड्स दैट गायनी सेड। वो कहती है उसने इतनी, मतलब उस टाइम बुरी हालत थी कि अगर कुछ भी डिले हो जाता, अगर बच्चा थोड़ा सा, उसकी जान को खतरा हो सकता था। सो दोज वर्ड्स वर लाइक ब्लेसिंग्स टू अस, के गुरुजी ने हमारे, उन्होंने जान दी थी उसकी, उन्हीं की ब्लेसिंग्स थी। बट अगेन गुरुजी हैड हिज ओन वेज ऑफ शोइंग यू नो दैट ही इज कॉन्स्टेंटली विद अस। और उसके बाद अभी अर्जुन पुनीत जी काफी बार कर चुके हैं ये सत्संग कि कैसे हमारे बड़े बेटे का नाम गुरुजी ने रखा अर्जुन, उनके कहीं मन में बहुत डीप डाउन कहीं था, और उन्होंने कभी किसी से शेयर नहीं किया था, मुझसे भी नहीं शेयर किया था। और जब गुरुजी से उन्होंने अरदास की और गुरुजी ने वही नाम रखा, देन ही वाज स्टन्ड कि इतने नामों में गुरुजी ने वही नाम बोला जो उनके मन के किसी कोने में था, और अर्जुन बजाज गुरुजी सेड दैट टाइम। और जब थोड़े दिन की बात, जब गुरुजी चंडीगढ़ आए, सो ही बैंक्वेट्स, दैट वाज ऑन क्रिसमस डे 25 दिसंबर 2006, व्हेन गुरुजी लास्ट केम फिजिकली टू चंडीगढ़, तो तब अर्जुन वाज वेरी स्मॉल, मैं नहीं जा पाई थी, तो पुनीत जी गए थे। और पुनीत जी जब गए वहां, तो कॉलेज के ओनर भी थे साथ में, और उन्होंने बोला कि गुरुजी आप चलो, बद्दी चलो कॉलेज। तो गुरुजी ने कहा, गुरुजी उससे 1-2 साल पहले बद्दी कॉलेज आए थे, तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, हुंता मैं डॉक्टर के बेटे दी पार्टी चावा का।
अब गुरुजी ने इतनी बड़ी बात बोली, व्हेन पुनीत केम बैक ही टोल्ड मी कि गुरुजी ने ऐसे कहा है, ही वर वेरी हैप्पी कि गुरुजी ने ऐसा बोला है, और गुरुजी यू नो पुनीत जी को बोला है कि मैं बेटे के बर्थडे पे आऊंगा, पार्टी पे आऊंगा। और हमने सोचा ओके, अब हमने गुरुजी एक हमने बड़ा पार्टी करनी है अर्जुन के लिए और उसमें गुरुजी को बुलाना है, तो हमने सोचा कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किसको बुलाएंगे। हमने कहा चलो गुरुजी ने कहा है तो अपने आप होगा, सब होगा, एंड वी जस्ट मूव्ड ऑन विद टाइम। मैं बीच में एक सत्संग करना भूल गई। व्हाट हैपेंड, जब अर्जुन हुआ तो पापा 2 डेज के बाद गुरुजी के पास मिठाई लेके गए। अब जब एम्पायर स्टेट में जो पहले गए हूँ उनको ध्यान होगा कि पहले लेफ्ट साइड में जैसे किचन होती थी और राइट साइड में आपकी दरबार के लिए एंट्री होती थी, तो जैसे ही पापा किचन की तरफ से गए तो वहां पे अम्मा जी होते थे, तो अम्मा जी को पापा ने जैसे ही अंदर मिठाई के लिए बोला तो रखी स्वीट्स जो पापा लेके गए थे, तो एकदम से वो मुबारकबाद देने लग गए और कहने लगे आपके पोता हुआ है, मुबारक हो। तो पापा बहुत हैरान हुए, पापा सोचे मैंने तो किसी से बात नहीं की, मैंने क्योंकि सोचा था कि मैंने तो सबसे पहले गुरुजी को बताना है, तो मैंने किसी से बात नहीं की कि ये क्यों मुझे ग्रह बधाई। तो पापा ने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता चला, तो अम्मा जी ने कहा कि गुरुजी ने तो उसी दिन बोल दिया था कि बजाज दे पोता हुआ है, मिठाई वंडो। तो गुरुजी, हम जैसे सब जानते हैं आज कि हमारा ये गुरु परिवार जो है वो एक असली गुरु परिवार है, लेकिन उस दिन हमें वो एग्जाम्पल सामने दिखा था कि गुरुजी ने कैसे एक परिवार के बच्चे के होने पर मिठाई बांटी थी। तो गुरुजी एक्चुअली कंसिडर्ड दिस एंटायर संगत एज हिज परिवार। तो ये बहुत हमें बाद में सुनकर हैरानी हुई और बहुत ही खुशी हुई कि गुरुजी ने इतना माना हमें, इतने प्यार से उस अर्जुन के होने पे मिठाई बांटी उस दिन। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, जितना भी शुक्राना कर ले उतना कम है। अब मैं आती हूँ कि गुरुजी के उस बात के कहने पे कि जब गुरुजी ने कहा था कि मैं बजाज दे बेटे की पार्टी में आऊंगा, तो उसके बाद द फॉलोइंग ईयर वी नो ऑन 31 मई 2007 गुरुजी ने महासमाधि ले ली थी, और दैट वाज द मोस्ट ट्रॉमेटिक डे ऑफ आर लाइफ। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है। जब हमें कॉल आया तो हम अम्बाला में थे, एंड यू नो हम बहुत ही स्पीड से ड्राइव करके वहां से दिल्ली पहुंचे, और हमें ऐसा लगता था कि तब भी जब था तो हमें ऐसा लगता था कि नहीं नहीं कोई मिरेकल होगा, गुरुजी आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। बट वो उसके बाद हमें ऐसा लगता था कि हमारी दुनिया खत्म हो चुकी है, अब हमारे लाइफ में कुछ है ही नहीं, बिकॉज द ओनली वे वी हैड बीन लिविंग आफ्टर वेडिंग वॉज कि बस गुरुजी के जाना है, अपना कर्म करना है, अपना काम करो, गुरुजी के जाओ, और फिर अगेन दैट साइकिल वॉज दिस ओनली। सो वी वर लाइक के अब क्या होगा, हमारे तो लाइफ में कुछ रहे ही नहीं, क्या गुरुजी नहीं रहे, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे। तो थोड़ी खैर टाइम के बाद गुरुजी ने रियलाइज कराना शुरू कर दिया कि मैं कहीं नहीं गया, मे बी आई वॉज बाउंड बाय द फिजिकल फॉर्म दैट टाइम, लेकिन अब गुरुजी हर जगह थे, हर किसी के साथ थे। और ये गुरुजी ने धीरे धीरे हमें सब संगत को समझाया, सबसे एक गुरुजी का अंदर से कनेक्ट हुआ, सबका अलग यूनिक वेज में हुआ। अब हमारे साथ क्या हुआ, हमें धीरे धीरे ठीक है गुरुजी ने संभाला। और उसके बाद जब अर्जुन का बर्थडे हुआ, फर्स्ट बर्थडे, तो हमने एक छोटी सी पार्टी दी थी यहाँ चंडीगढ़ में एक रेस्टोरेंट पे, तो वहाँ पे जब हमने जैसे ही पुनीत के कुछ फ्रेंड्स आए जो उस दिन भी वहाँ थे सोही बैंक्वेट में जब गुरुजी ने कहा था कि मैं पार्टी चाहवांगा बजाज के बेटे थी, तो उन्होंने आते ही कहा कि आपने गुरुजी का कोई स्वरूप रखो, गुरुजी ने कहा था कि वो आपके बेटे की पार्टी में आएंगे तो वो आएंगे, गुरुजी आप स्वरूप रखो। तब तक ना ऐसा होता नहीं था कि कोई ऐसे गुरुजी का स्वरूप रखता था कोई इवेंट्स में, कोई फंक्शंस में, तो हमने कभी सुना नहीं था। बट जब उन्होंने सजेस्ट किया तो हमें ये बात बिल्कुल ठीक लगी, हमें लगा कि गुरुजी तो खुद कहते थे कि मेरी फोटोग्राफ नहीं है ये, मैं खुद हूँ। तो हमें लगा कि हमें गुरुजी का स्वरूप रखना चाहिए। हमने ऑन द स्पॉट उसी टाइम फटाफट
अरेंज करवा के एक छोटा सा दरबार बनाया, जिसमें हमने गुरुजी का एक बड़ा सा स्वरूप रखा और कुछ फूल सेवा की उसके आगे। और जब पार्टी शुरू हुई तो इतनी बढ़िया पार्टी हुई, सब ऐसा लगा कि सब अपने आप ही हो रहा है, एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी। और जब हम पार्टी के बाद उस पार्टी में अर्जुन ने फर्स्ट स्टेप्स भी लिए अपने वॉकिंग के, तो हमारे लिए वो बहुत ही यादगार पार्टी थी। और गुरु जी ने उसे और यादगार बना दिया हमें ये जतला के कि मैं वहां पे आया था। कैसे, जब हम पार्टी रैप अप हुई, हम सारा देख कर रहे थे, रैप अप कर रहे थे, तो अर्जुन के हाथ का एक नजरिया नहीं मिला। तो आई वॉज सर्चिंग फॉर इट, हमने बहुत ढूंढा, हमने स्टाफ को भी बोला, हम सबने ढूंढा, जब बिल्कुल नहीं मिला तो मुझे लगा चलो अब हमने, जब गुरुजी के दरबार के फूल हम इकट्ठा करने लगे तो हमें उन फूलों में अर्जुन का नजरिया मिला, वो हाथ का जो ब्लैक बीड्स का होता है ब्रेसलेट। तो जब वहां मिला तो हम बहुत हैरान हुए, वो इतने ऊंचे टेबल पे था और डबल टेबल्स के उधर था कि अर्जुन तो पहुंच ही नहीं सकता था, और अगर किसी ने मत्था टिकाया होता अर्जुन को तब भी वो फर्स्ट टेबल तक ही रह जाता, सेकंड तक तो जा ही नहीं पाता। तो वी वर वेरी अमेज्ड कि ये वहां क्यों है, फूलों के अंदर रोज पेटल्स में मिला हमें वो गुरुजी के बिल्कुल स्वरूप के आगे। तो हमें लगा कि ये गुरुजी का वे था बताने का कि मैंने अर्जुन को ब्लेस किया है और मैं आया हूँ। अब ये हुआ एंड वी वर वेरी हैप्पी, हम घर आए बहुत खुश खुश। और अगले दिन पुनीत कॉलेज गए, तो जहाँ पुनीत डेंटल कॉलेज में पढ़ाते थे, जहाँ गुरुजी आए और गुरुजी की ब्लेसिंग से वहाँ मंदिर भी बनाया, गुरुजी का उन्हीं की ब्लेसिंग से मिला है, गुरुजी ने खुद साइन करके स्वरूप अपना दिया था मंदिर के लिए। तो जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता रही हूँ, वैसे तो मोस्टली जानते ही होंगे। तो गुरुजी का की कृपा से थोड़ा छोटा छोटा शुरू हुआ था मंदिर, और धीरे 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 इट इज नाउ अ बिग हॉल जो एक मंदिर है वहां पे, और गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स है वहाँ। तो जब पुनीत जी अगले दिन कॉलेज गए तो उनका फोन आया मुझे वहां से, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ना डॉक्टर बलजीत ने बताया कि गुरुजी का ड्रीम आया था उन्हें रात को सुबह। तो मैंने कहा अच्छा क्या ड्रीम आया, कहते जैसे हमारे कल पार्टी चल रही थी तो डॉक्टर बलजीत ने देखा उसी पार्टी में गुरुजी एंटर कर रहे हैं मेन डोर से रेड चोले में, और आज आपने स्वरूप भी रेड चोले का ही लगाया हुआ है गुरुजी का, थैंक यू सो मच गुरुजी। और उन्होंने कहा कि गुरुजी रेड चोले में एंटर किए, उन्होंने देखा, और डॉक्टर बलजीत ने सबको कहा कि देखो देखो ड्रीम में कि देखो देखो गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए हैं। तो वी स्टार्ट लुकिंग टुवर्ड्स द डोर ऑल ऑफ अस। सो डॉक्टर बलजीत सॉ दिस ड्रीम अ डे आफ्टर द पार्टी, और हमें लगा वाओ इसका मतलब ये कि गुरुजी सच में आए थे, गुरुजी के वचन थे कि मैं आऊंगा बजाज दे बेटे की पार्टी में, तो वो आए हैं, इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। हम दोनों बहुत बहुत खुश हुए। उसके 2 आवर्स के बाद पुनीत जी का फिर से फोन आया, पुनीत जी कहते हैं रुचि आप यकीन नहीं करोगे अभी क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ, कहते हैं कि मुझे एक स्टाफ मेंबर है कॉलेज में, वो आई मेरे पास, क्योंकि गुरुजी कॉलेज आए थे तो बहुत लोग कॉलेज में जानते ही थे कि गुरुजी कौन है। तो जब वो आई पुनीत जी के पास तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझे ना गुरुजी का सपना आया कल रात। तो पुनीत जी बहुत हैरान हुए, उन्होंने कहा अच्छा बताओ क्या सपना आया। तो जब उन्होंने सपने की डिटेल्स बताए, उनके तो बहुत ही डिटेल में सपना जो था, उन्होंने वो डॉक्टर्स को देखा जो बर्थडे पार्टी पे आए थे, मतलब 4-5 डॉक्टर्स जो उस टाइम कॉलेज में काम करते थे वो बर्थडे पार्टी में आए थे। उन्होंने वो डॉक्टर्स के नाम बोले, ये थे ये थे ये थे ये थे, एक ऐसा पार्टी सी चल रही थी, एक छोटा बच्चा था, शायद वो आपका बेटा था अर्जुन, उन्होंने ऐसे बोला कि शायद वो बेटा था आपका अर्जुन। और उस पार्टी में ना गुरुजी बैठे हुए थे चेयर पे अपने आसन पे, और उन्होंने रेड चोला पहना हुआ था। अब जब पुनीत जी ने मुझे ड्रीम में ये बताया तो मुझे गूज बम्स हो गए, मैं सुन के हम इतना ज्यादा यू नो वी वेंट इनटू अ ट्रांस, वी थॉट दैट गुरुजी इज सो ग्रेट। गुरुजी ने जो कहा था वो तो बात पूरी होनी थी,
मेबी वी कैन फॉरगेट बट गुरु जी कैन नॉट फॉरगेट। तो वो गुरु जी ने हमें कितने वेज में बताया कि मैं वहां आया था, आई हैड कम ओवर देयर जैसे गुरु जी के भाग थे। तो हम कैसे मान लें कि गुरु जी कहीं चले गए? हमें इतनी बड़ी श्योरिटी मिली उस दिन, इतनी बड़ी, वी वर सो हैप्पी कि गुरु जी हमारे साथ हैं, गुरु जी हमारे साथ हैं। एंड दैट्स हाउ लाइफ कंटिन्यूड। और उसके बाद गुरु जी के जाने से, मतलब गुरु जी के चोला छोड़ने से पहले, इट वॉज द ईयर 2007 और शिवरात्रि का दिन था जब मैं मथा टेकने के लिए बड़े मंदिर में आगे झुकी थी। तो गुरुजी ने उस दिन मुझे अगेन एक और बार ब्लेसिंग्स दी थी। गुरुजी ने बोला था अगले साल फिर एक और मुंडा। अब अर्जुन उस टाइम मेरी गोदी में था, 2 मंथ्स का था अर्जुन, और मैं बहुत ही हैरान हो गई। मुझे लगा ये क्या हो रहा है, मतलब तब तो बिल्कुल लाउड एंड क्लियर था तो मुझे कोई शक नहीं था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा स्टंट थी कि हाउ कम गुरुजी। मैं अंदर से मन में क्वेश्चन कर रही थी गुरुजी को, मैंने कहा गुरुजी हाउ कम इतना छोटा है अर्जुन, ये क्या है गुरुजी। तो मैं ये मन में सोचते सोचते मथा टेक के बाहर आ गई। आई डिडंट आस्क गुरुजी, बस ये मेरे मन में ही चल रहा था। एज आई टोल्ड यू, आई ऑलवेज हैड अ यू नो हार्ड टॉक विद गुरुजी मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और जब मैं बाहर आई तो उस टाइम पे कॉलेज के बहुत बच्चे हमारे साथ गए थे मथा टेकने। गुरुजी बोलते होते थे पुनीत जी को और संगत लेके आओ, और लेके आओ। गुरुजी कई बार बोलते होते थे 20 बसें लेके आओ। तो हम बहुत हैरान होते थे कि हम कहाँ से, इतनी तो कॉलेज की स्ट्रेंथ नहीं है जितनी गुरुजी ने हमें बोला है, तो हम कैसे लेके जाएंगे। तो बट दोज़ आर गुरुजीज वेज। हम कई बार 19-19 टवेरा करके भी गए हैं बद्दी से बड़े मंदिर। तो जब तब की बात है तो बहुत से कॉलेज के बच्चे हमारे साथ पीछे लाइन में थे और एवरीबडी वॉज सीइंग मी एंड स्माइलिंग एंड स्माइलिंग। और पुनीत जी वॉज वेरी हैप्पी कि गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है। तो मैंने बोला कि पुनीत जी ये तो इतना छोटा है अभी। तो ही वॉज लाइक देखो रुचि, हमने नहीं उनसे मांगा, ना हमने फर्स्ट टाइम मांगा था, ना हमने सेकेंड टाइम मांगा, ये तो गुरु जी की मर्जी है और उनकी बिना बोले उन्होंने हमें ब्लेसिंग्स दी हैं, बिना मांगे हमें ब्लेसिंग्स दी, ये तो हमें शुक्रिया करना चाहिए। मैंने कहा हाँ जी ठीक है, बट अभी तो एक तो बहुत छोटा है। फिर मैंने सोचा अच्छा अगर देना ही है तो एक बेटा तो है, एक बेटी मांग लो। तो पुनीत जी ने फिर मुझे समझाया, ही वॉज लाइक के देखो हम, ही इज गॉड, ही नोज वॉट इज बेस्ट फॉर अस। हमने मांगा ही नहीं है, ना हमने फर्स्ट टाइम मांगा ना सेकेंड टाइम मांगा, ये उनकी इच्छा है कि उन्होंने हमें क्या दिया है। बट मेरे मन में इतनी स्ट्रॉन्ग डिजायर थी एक बेटी की, मुझे बहुत अच्छा थी कि मेरी बेटी हो। तो मैंने फिर से मन में सोचा कि नहीं नहीं एक बार तो हमें बोलना चाहिए। फिर मैंने पुनीत जी के पीछे प्लीज एक बार बोलो, एक बार बोलो गुरुजी को कि बेटी, क्या पता गुरुजी ने ऐसे ही बोल दिया हो, आप बोलोगे तो शायद गुरुजी मान जाएंगे। बट He was very adamant. He said, हमने नहीं मांगा था, ना first time बोला, ना second time बोला, कि जो गुरुजी ने बोला है वो हमें accept करना चाहिए। तो फिर जब उन्होंने मुझे देखा कि मुझे बहुत मन है, तो उन्होंने कहा आप मांग लो, आप अर्ज कर लो। तो मैंने ऐसे कभी गुरुजी से कुछ नहीं बोला था, मांगा था। तो मुझे लगा कि अच्छा मैं कैसे करूँगी। तो मैं फुल टाइम बड़े मंदिर में प्रैक्टिस करती रही कि मैं कैसे करूँगी, गुरुजी को कैसे बोलूँगी। तो आई जस्ट डिसाइडेड कि मैं जब इजाजत लेने जाएंगे और मैं मथा टेकूंगी तो मैं गुरुजी को अर्ज करूंगी, गुरुजी एक कुड़ी। अब गुरुजी की इजाजत के बिना गुरुजी से कोई बात नहीं कर सकता था, ये तो उन्हीं की मर्जी होती थी किससे बात करनी है किससे नहीं। तो मैंने मन में सोचा कि जब मैं इतना बोलूंगी तो अगर गुरुजी बात करेंगे तो मैं पूरा बोल दूंगी, तब मैं पूरी बात कर लूंगी। तो मैंने बस यही डिसाइड किया कि मैं बोलूंगी गुरुजी एक कुड़ी। अब जैसे ही मैं इजाजत लेने के लिए जब हम गए और जैसे ही मैं जरा सा मैंने एक स्टेप आगे लिया, मेरी टर्न आई मथा टेकने की, और जैसे ही मैंने एक स्टेप आगे लिया तो गुरुजी ने एकदम से कहा नहीं पहले मुंडा फिर एक और मुंडा। अब मैंने तो अभी मैं झुकी भी नहीं थी मथा टेकने के लिए और गुरुजी ने ये बोल दिया, तो मुझे बहुत ही मतलब आई एक्चुअली फ्रोज ओवर देयर। एंड आई थॉट कि जो मेरे मन के सारे भाव पढ़ सकते हैं, जो मेरे मन की बात जानते हैं, मैं उन्हें क्या बताऊंगी। और फिर आई एक्चुअली हैड दैट यू नो मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन दैट टाइम दैट
गुरुजी को बताने की कुछ जरूरत ही नहीं है। एंड देन आई वो वर्ड्स जो पुनीत जी ने कहे थे कि हमने मांगा नहीं है, ये उनकी ब्लेसिंग्स हैं कि वो हमें क्या दे जो हमारे लिए अच्छा होगा। तो दोज वर्ड्स वर लाइक रिसाउंडिंग इन माई माइंड एंड आई जस्ट थॉट कि यस ओके गुरु जी, थैंक यू सो मच। और फिर मैंने मत्था टेका गुरु जी को और फिर हम बाहर आ गए। तो ये गुरु जी की कृपा से हमें दूसरा बेटा भी हुआ और जिसका नाम गुरु जी ने तब गुरु जी की समाधि के बाद हुआ था वो। तो उसका हम नाम गुरु जी से तो नहीं रखवा पाए, लेकिन हमें पता है कि गुरु जी ने ही ऑलमोस्ट रखा है क्योंकि हमने बहुत अर्ज की, अरदास की। फिर उसके बाद हमारे मन में जो नाम आया वो अनय था। अनय कृष्ण जी को भी बोलते हैं, कृष्ण जी का भी सहस्त्र नामों में से नाम है, तो अनय उसका नाम रखा। लेकिन गुरु जी ने हर मोमेंट पे हमें बहुत 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 ब्लेसिंग्स दी है। मतलब मैं ये कहूंगी कि गुरु जी ने पूरी हमारी लाइफ सेट की हुई है। लाइफ की जितनी मेजर डिसीजंस थी, मेरी वेडिंग, हमारी वेडिंग, हमारे बच्चे, हमारा घर, गुरु जी ने हमें बोल के दिया, बोल के सब गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। सो थैंक यू सो मच गुरु जी। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। सत्संग तो बहुत बहुत है, बट गुरु जी ने जैसे हमें जिस हाल में रखा है हम उस हाल में हैं, और हम बहुत खुश हैं कि गुरु जी ने हमें अपने पास ही बहुत प्यार से रखा हुआ है। बहुत ब्लेसिंग्स हैं। अभी लास्ट ईयर भी इतनी गुरु जी की ब्लेसिंग्स हुई हैं कि गुरु जी से मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि मेरा दिल से कनेक्शन है। जब आई विल जस्ट से वन मोर सत्संग बिफोर वी कॉल इट अ डे टुडे। लास्ट ईयर आई हैड लॉस्ट माई मॉम। सो मेरा कुछ मोमेंट्स ऐसे आते थे कि माँ, तो आप हम सबको पता है कि माँ क्या होती है। तो मम्मा की इलनेस, मम्मा हैड अ लॉन्ग फाइट विद ब्रेस्ट कैंसर। 10 years she fought with it, and that was all due to Guruji's blessings that she could continue her journey. और बहुत गुरुजी की उनकी ब्लेसिंग्स थी। वो अगेन एक बड़ा सत्संग है अलग। तो जब लास्ट ईयर मम्मा चले गए थे, तो उसके बाद और लास्ट अक्टूबर में मम्मा का भी बर्थडे होता था, मेरा भी बर्थडे सेम डे होता है। और मेरी मासी, आई ऑल्सो लॉस्ट माई मासी आफ्टर 2 months ऑफ लूजिंग माई मॉम। उनको कोविड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से एकदम से वो भी हमें छोड़ के चली गई, मम्मा के जाने के 2 महीने के बाद, जो मेरी अमृतसर वाली मासी थी। तो जब ये हुआ तो अक्टूबर में, 9 अक्टूबर को मेरी मासी का बर्थडे होता था एंड 14 को हमारा, मेरा मम्मा का होता था। तो दैट वीक वॉज वेरी वेरी डिप्रेसिंग फॉर मी। मुझे इतना ज्यादा, मैं डिप्रेशन में चले जाती थी कि मुझे समझ ही नहीं आता था। एंड 9th स्पेसिफिकली ऐसा डे था कि मैं आज तक जितनी ज्यादा, मतलब मैं कहूंगी दुखी थी मैं उस दिन हुई होंगी। और मैं इतना ज्यादा, घर में उस टाइम कोई नहीं था, मैं कहीं बाहर से आई थी और नवरात्रे चल रहे थे, मुझे अच्छे से याद है। और मैंने, आई वॉज जस्ट, मैं इतना डिप्रेस हो गई थी कि मैं कुछ कर ही नहीं रही थी। आई वॉज जस्ट सिटिंग सिटिंग एंड क्राइंग क्राइंग क्राइंग। अब मैं आपको ये सत्संग क्यों शेयर कर रही हूँ कि जब हमारे मन का हालात कोई नहीं जानता, गुरु जी जानते हैं। उस टाइम पे मुझे बड़े मंदिर से फोन आया, इट वॉज 9 o'clock इन द नाइट, कि आंटी आपने सत्संग करना है अभी। तो मैंने उनको 3 बार पूछा, मुझे यकीन ही नहीं हुआ। पहले तो वो नॉर्मल बात करते रहे, कैसे हैं आप, कब आ रहे हैं बड़े मंदिर, ये वो। फिर उन्होंने जैसे ही मुझे सत्संग करने के लिए बोला तो मैं बहुत हैरान हुई। मैंने कहा कब, कहते आज। मैंने कहा कब, कहते आज। और मैं मन में सोच रही हूँ कि मैं अपना रोने वाली आवाज को तो कंट्रोल करके आपसे बात कर रही हूँ, मैं सत्संग कैसे करूंगी, मैं मन में सोच रही हूँ। बट देन वो सत्संग एक सेवा है जिससे हम बिल्कुल ना नहीं करते, हमें गुरु जी की ये सेवा मिली है, तो दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर अस। और मैंने उस टाइम फिर उन्हें बोल दिया ओके। अब 9 o'clock ही इज कॉलिंग, 9:45 वो सत्संग शुरू होता था जो हम रोज होता है बड़े मंदिर से। तो मैंने उनको जैसे ही हाँ बोली, देन आई जस्ट लिफ्टेड माई सेल्फ अप। तब तक मैं बिल्कुल डिप्रेस होके बैठी हुई थी, रो रही थी। एंड आई वॉज लाइक कि अब मुझे सत्संग से पहले डिनर बनाना है, बच्चों को देना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। एंड देन आई जस्ट, यू नो, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड गुरु जी ने कैसे मुझे उस डिप्रेशन से निकाला। और जब मैंने वो सत्संग किया,
वो सत्संग करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि जब हम सत्संग करते हैं तो हम गुरु जी का शुक्राना करते हैं। अब गुरु जी का शुक्राना कर रहे हैं तो वी आर काउंटिंग द ब्लेसिंग्स व्हिच वी हैव इन आवर लाइफ। सो दिस वाज द पॉजिटिविटी, द पॉजिटिव थिंग्स व्हिच गुरु जी गेव मी एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, जब मेरे दिल के हालात कोई नहीं जानता था, किसी को नहीं पता था, ना मेरे बच्चों को उस टाइम पता था मैं क्या सोच रही हूँ, क्यों रो रही हूँ, ना पुनीत जी को पता था, वो आए भी लेट थे घर, तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि वो जो मुझे कनेक्शन फील हुआ गुरुजी से कि गुरुजी आप तो सब जानते हो, आपको तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। देन आई रियलाइज कि यस माई मॉम इज विद गुरुजी ओनली, दैट आई शुड बी हैप्पी कि वो गुरुजी के पास ही है, गुरुजी ने उन्हें मोक्ष दिया है। और वो अगेन एक सत्संग है अलग से कि कैसे मुझे गुरुजी ने रियलाइज कराया कि मेरी मॉम को गुरुजी ने मोक्ष दिया है। और उसके बाद मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपरंपार हैं, ऐसा है कि सिर्फ हमें दिल से गुरुजी को पुकारने की जरूरत है, एंड गुरुजी हैज हिज ओन यूनिक अमेजिंग वेज टू कनेक्ट विद यू, एंड दैट मे बी डिफरेंट फॉर यू नो डिफरेंट पीपल। सो डोंट थिंक कि जैसे एक इंसान के साथ गुरुजी ने कनेक्ट किया वैसे ही दूसरे के साथ होगा, गुरुजी को पता है किसके साथ कैसे कनेक्ट करना है। थैंक यू सो मच कैलिफोर्निया संगत for having me today and say shukrana, give my word of shukrana to Guruji. Thank you so much Guruji, aapki blessings ke liye, aapke hamare zindagi mein hone ke liye bahut 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 shukrana. Thank you.